A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 11th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Frozen by Uncertainty. देखो frozen का मतलब होता है किसी भी चीज का जम जाना एक ही जगह पर by uncertainty. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब कोई भी चीज निश्चित ना होना. फ्रोजन बाय अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि कुछ भी अनिश्चित होने की वजह से चीजों का रुक जाना, एक ही जगह पर जम जाना. ऑन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स मैंडेट. मैंडेट होता है जनादेश या आदेश कह सकते हो, टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी. और ये अनसर्टेनिटी को देखते हुए फिलहाल आरबीआई का जो मैंडेट था जिसके तहत उसको क्या करना था, ये जो प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी थी क्योंकि इन्फ्लेशन फिलहाल बढ़ रहा था और उसको जो प्राइसेस हैं उसके अंदर स्थिरता लेकर आनी थी. और आरबीआई का ये मैंडेट था, उस मैंडेट को फिलहाल अगर देखा जाए तो आरबीआई ने कुछ टाइम के लिए उसको क्या किया है, पोस्टपोन किया है. और अगर देखा जाए तो आरबीआई का जो मैंडेट था उसने जिसके तहत प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी थी तो उसको कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया गया, त्याग दिया गया है, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया गया है. तो एक फाइनेंशियल आर्टिकल है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. आरबीआई हैज फोरसेकन. फोरसेक का मतलब होता है डेजर्टेड, जिसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना. इट्स मैंडेट, जनादेश. तो फिलहाल आरबीआई ने क्या किया, जो उसका जनादेश था, जो आदेश था, उसने त्याग दिया है. क्या था वो, ऑफ एंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी. तो आरबीआई को क्या करना था, प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी थी, कीमतों के अंदर स्थिरता लेकर आनी थी. लेकिन उसको फिलहाल वो जो जनादेश था तो उसको त्यागना पड़ा. क्यों, टू गिव एन इम्पिटस. इम्पिटस का मतलब होता है एक तरीके से मोमेंटम देना, गति देना टू द इकोनॉमी, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है कोविड की वजह से बहुत ज्यादा कॉलेप्स हो चुका है. और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए तो फिलहाल आरबीआई की जो एक पॉलिसी थी जिसके तहत उसको अपनी प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी थी, तो उस प्राइस स्टेबिलिटी वाला जो पॉलिसी था अभी फिलहाल आरबीआई ने उसको त्याग दिया है, जिससे कि इकोनॉमी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके, मदद मिल सके. द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी होता मौद्रिक पॉलिसी नीति कमेटी समिति डिसीजन, यानी मौद्रिक नीति समिति डिसीजन, उन्होंने जो डिसीजन लिया है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है टू लीव इंटरेस्ट रेट्स, जो भी इंटरेस्ट रेट्स रहे, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज दरें जो हैं, ब्याज की जो दरें रहेंगी अनचेंज्ड, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एज इट इज रहेंगी. रिटेन इट्स अकोमोडेटिव. अकोमोडेटिव का मतलब हुआ एक तरीके से कोऑपरेटिव, सहयोग करने वाली पॉलिसी स्टांस. और फिलहाल जो आरबीआई ने एक जो स्टांस लिया है, एक तरीके से आरबीआई ने अपना जो रुख दिखाया है वो काफी कोऑपरेटिव है, जिसके तहत उसने इंटरेस्ट रेट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, यानी उसको बढ़ाया नहीं एक तरीके से. एल्बेट का मतलब होता है यद्यपि, इसके बावजूद भी, विद वन मेंबर डिसेंटिंग ओवर द स्टांस. डिसेंटिंग का मतलब होता है एक तरीके से डिसएग्रीमेंट ओवर द स्टांस. और आरबीआई ने जो अपना भी जो स्टांस लिया, जो रुख अपनाया जिसके तहत उसने प्राइस स्टेबिलिटी, उसका जो मैंडेट था जिसके तहत उसको अपनी प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर आना था, लेकिन फिलहाल आरबीआई ने उसको क्या कर दिया, त्याग दिया है, जिससे कि क्या हो सके, इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके. एट द सेम टाइम उसने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं. तो ये जो है, एक आरबीआई ने एक ऐसा स्टांस लिया है जो कि काफी अकोमोडेटिव है, काफी कोऑपरेटिव है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो एक मेंबर है उन्होंने अपनी असहमति जताई आरबीआई के इस स्टांस के ऊपर शोज. तो आरबीआई का ये जो कदम है, आरबीआई का जो डिसीजन है, वो इस चीज को दिखाता है क्या, अ सेंट्रल बैंक फ्रोजन इनटू इनएक्शन. जो हमारा आरबीआई जो बैंक है, फ्रोजन का मतलब हो गया एक जगह पे जम जाना, इन एक्शन का मतलब होता है निष्क्रियता, मतलब कोई भी काम ना करना, बाय द नाइटेनियन, जिसका मतलब होता है अनक्वांटिफिएबल अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द पेंडेमिक हिट रिकवरी इकोनॉमी. सॉरी, देखिए
नाइटियन का मतलब हो गया अ लैक ऑफ एनी क्वांटिफल क्वांटिफिएबल नॉलेज, कोई क्वांटिफिएबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी मेजर, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है। और पेंडेमिक हिट, क्योंकि महामारी की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से क्या हुई है, उसको बुरी तरीके से अफेक्टेड हुई है वो, और उसकी वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने फिलहाल क्या किया, क्योंकि जो देखिए जो हमारी जो इकोनॉमी है काफी अफेक्ट हुई है, और उसको सपोर्ट करने के लिए फिलहाल आरबीआई ने जो अपना मैंडेट था जिसके तहत प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी थी, उसको फिलहाल कुछ टाइम के लिए उसने क्या कर दिया, त्याग दिया है। और इकोनॉमी को इम्पेटस का मतलब होगा एक तरीके से सपोर्ट करना, या फिर मोमेंटम देना, गति देना, और इकोनॉमी को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए फिलहाल तो उसने क्या किया है, एक अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस लिया है, और एट द सेम टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, जिससे कि इकोनॉमी को क्या मिल सके, उसको सपोर्ट मिल सके। और एट द सेम टाइम ऑब्वियस बात है, एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है फ्यूचर को लेकर, क्योंकि जो पेंडेमिक हिट सिचुएशन है, कि इस बात का अंदाजा लगाना कि जो पेंडेमिक है उससे कितना किस हद तक हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, इस बात का भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, वो अनक्वांटिफाइबल है, क्योंकि उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। इन स्टिकिंग विद द स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग सिचुएशन, मतलब जो स्थिति बनी हुई है अगर उस स्थिति के हिसाब से देखा जाए, स्टिकिंग का मतलब किसी चीज के साथ चिपके रहना, यानी यहाँ पर हो गया, अगर एग्जिस्टिंग सिचुएशन को कंसीडर किया जाए, उसको अगर देखा जाए, द आरबीआई पॉलिसी मेकर्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, हैव अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी बात को हाईलाइट करना, किसी बात को एम्फोसाइज करना, जोर देकर बोलना, that they find themselves trapped in a no man's land. देखो, no man's land क्या होता है? जहाँ पर दो countries के बीच में एक ऐसा एरिया होता है जहां पर किसी भी कंट्री का कोई, मतलब वो कोई भी कंट्री उस पर अपनी ownership नहीं दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्रेज का मतलब हो गया trapped in too difficult problem. No man's land का मतलब इस पर्टिकुलर फ्रेज के हिसाब से यहाँ पर है ट्रैप्ड बिटवीन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, यानी दो दोहरी मुसीबतों में फंस जाना। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहते हैं कि वो मतलब अपने आप को एक दोहरी मुसीबतों में फंसा हुआ पाते हैं, क्यों? ऑन द वन हैंड एक तरफ से तो बोथ द ग्लोबल वैश्विक एंड डोमेस्टिक, हमारी जो घरेलू इकोनॉमी है, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, हैव सफर्ड ए लॉस ऑफ मोमेंटम। अगर पूरी दुनिया को भी देखा जाए तो वैश्विक तौर पर, एट द सेम टाइम ग्लोबल तौर पर, जो इकोनॉमी का जो पेस था, मोमेंटम था, जो गति थी, उसका लॉस उठाना पड़ा है। ऑब्वियसली बात है, पूरी दुनिया का भी लॉस हुआ। एट द सेम टाइम अगर हम अपनी इकोनॉमी को भी देखें तो उसका भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है इन द वेक ऑफ ओमिक्रॉन वेव, क्योंकि फिलहाल ओमिक्रॉन जो वेरियंट है कोविड का, उसकी वजह से भी। ऑन द वेक ऑफ का मतलब होता है एज कॉन्सिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट, क्योंकि देखें, on one hand both the global and domestic economy have suffered a loss of momentum. अगर देखा जाए global at global level और domestic level पर भी हमारा economy क्या हुआ है, बहुत ज्यादा उसको loss हुआ है, क्योंकि omicron की वजह से, क्योंकि omicron एक नया variant है covid की वजह से, जिसकी वजह से lockdown लगा दिया गया, lockdown लगने की वजह से हमारा economy को काफी loss हुआ, and प्रोग्नोस्टिकेटिंग का मतलब हो गया एक तरीके से एंटिसिपेट करना, अंदाजा लगाना। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव फॉर द रिकवरी हैज बिकम इवन मोर रिस्की, और फ्यूचर के अंदर ये जो हमारा इकोनॉमी है उसका जो प्रोस्पेक्ट है, पॉसिबिलिटीज है, वो भी काफी हद तक रिकवरी की पॉसिबिलिटी काफी हद तक और भी ज्यादा रिस्की हो जाती है इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि फिलहाल भी अगर देखा जाए श्राउड का वैसे मतलब होता कफन, यहाँ पर हो गया कवर करना, यानी श्राउड का मतलब कफन होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब कवरिंग करना। द पेंडेमिक को देखते हुए, मतलब ये जो सिचुएशन है और भी ज्यादा क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारा जो रिकवरी है वो क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, कि क्या हमारी जो इकोनॉमी वो रिकवर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिलहाल भी अगर देखा जाए तो पेंडेमिक ऐसा नहीं है कि चला गया है, पेंडेमिक का अभी भी साया बना हुआ है। और उस अनसर्टेनिटी को देखते हुए इस बात को स्ट्रांगली बोलना, पॉसिबिलिटी के साथ बोलना कि हमारा इकोनॉमी रिकवर कर जाएगा, ये काफी हद तक बड़ा मुश्किल है इस बात को कहना। इन इंडिया के अंदर प्राइवेट
जो प्राइवेट कंजप्शन की अगर बात की जाए, लोगों को जो लोग कंज्यूम करते हैं जो प्रोडक्ट्स को, विच इज मेन स्टे का मतलब मुख्य आधार हो गया, फाउंडेशन या बेस हो गया। और इंडिया के अंदर बहुत सारा जो हमारा जीडीपी होता है वो लोगों के कंजप्शन से हमें मिलता है, जो कि एक मुख्य आधार है डोमेस्टिक डिमांड का। क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड की अगर बात की जाए तो उसके अंदर लोगों का जो कंजप्शन है वो मुख्य एक फैक्टर है। लिटिल शोज लिटिल साइन रिगेनिंग ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब होगा एक तरीके से पकड़। और फिलहाल अगर देखा जाए अभी कोविड की जो थोड़ी बहुत उसमें केसेस में कमी आई है, लॉकडाउन को हटा लिया गया है और जो एक्टिविटीज है उनको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, तो उन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है जिसके अंदर प्राइवेट कंजप्शन को कंसिडर किया जाता है मेनली, तो उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत साइन दिखाई पड़ता है, संकेत दिखाई पड़ते हैं किस चीज के। रिगेनिंग का मतलब किसी चीज को पुनः प्राप्त करना, ट्रैक्शन का मतलब हो गया एक तरीके से पकड़। तो कहने का कहीं हमारा जो पब्लिक जो प्राइवेट कंजप्शन है उसके अंदर हमें क्या दिखाई पड़ता है, बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है, वो थोड़ा बहुत पेस ले रहा है, उसके अंदर पकड़ दिखाई पड़ती है। एड टू द मिक्स परसिस्टेंट इंक्रीज इन द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस, लाइक एड टू मिक्स मतलब इन एडिशन टू, और इस चीज को मिक्स करते हुए। लेकिन अगर इस चीज को भी देखा जाए परसिस्टेंट का मतलब लगातार इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी हो गया इन इंटरनेशनल कॉमोडिटी। और जो मतलब जो इंटरनेशनल कॉमोडिटी की बात की जाए जो हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो उन जो इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस के अंदर भी लगातार परसिस्टेंट इंक्रीज, उनके प्राइसेस के अंदर भी बढ़ोतरी है। अ सर्ज इन वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी का मतलब हो गया अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता। और फिलहाल अगर देखा जाए सर्च का अंदर बढ़ोतरी, ये जो अनिश्चितता के अंदर बढ़ोतरी हुई है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। और जो अगर देखा जाए वैश्विक तौर पर, अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो फाइनेंशियल जो वित्तीय मार्केट है, बाजार है, उसके अंदर भी अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कोविड की वजह से। एंड ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक्स, बॉटलनेक का मतलब होता है किसी भी चीज को स्लो डाउन कर देना। और जो ग्लोबल सप्लाई है उसके अंदर भी कमी आई है क्योंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और बॉटलनेक का मतलब हो गया एक तरीके से हिंड्रेंस, बाधा आना। और जो ग्लोबल सप्लाई थी जहां जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं क्या है, अड़चन आई है, बाधाएं आई है। ये सारे के सारे फैक्टर्स है जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए। एंड द रिस्क टू दी आउटलुक, आउटलुक का मतलब हो गया बिलीफ अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के हिसाब से आप प्रिडिक्शन करते हो, अंदाजा जो लगाते हो, आर फर्दर हाइटेंड का मतलब और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाना। और ये जो फ्यूचर के अंदर जो रिस्क है वो अभी भी ऐसा ही बना हुआ है, अभी भी हम इस बात को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक गेन कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और उस अनसर्टेनिटी को देखते हुए फिलहाल आरबीआई ने अपना डिसीजन लिया है। उस डिसीजन के अंदर पहले उसको क्या करना था, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आना था, लेकिन फिलहाल उस प्राइस स्टेबिलिटी का जो एक मैंडेट था उसको आरबीआई ने क्या कर दिया, उसको त्याग दिया है, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा बहुत क्या मिल सके, उसको सपोर्ट मिल सके, उसको सहारा मिल सके। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। हैज फोर सेकंड का मतलब हो गया हैज लेफ्ट, फोर सेकंड का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, डेजर्टेड कर देना, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने स्टिकिंग यूज कर लिया जो कि वी वन प्लस आई एन जी जीरेंड है। इन द वेक ऑफ हो गया फॉलोइंग द सेम या कॉन्सिक्वेंटली, एज ए कॉन्सिक्वेंस, एज ए रिजल्ट जिसको आप बोल सकते हैं। इंक्रीज आपका नाउन हो गया, तो परसिस्टेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंट, लगातार, ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया आपका। और उसके बाद आर आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। और फर्दर यहाँ पर एक तरीके से एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द मोस्ट टेलिंग मैनिफेस्टेशन, देखो टेलिंग मोस्ट टेलिंग फेस्टेशन का मतलब होता है यहाँ पर अ क्लियर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्ति, एक्सप्लेनेशन या डिस्प्ले कह सकते हैं, ऑफ आरबीआई प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रिडिक्शन, अंदाजा। ऑफ फॉर ग्रोथ इज फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब भी अंदाजा होता है एक तरीके से, मतलब आप जब एंटिसिपेट करते हैं। फॉर जीडीपी एक्सपेंशन, इन एक्सपेंशन का बढ़ोतरी इन 20
2 एंड 23। और फिलहाल अगर देखा जाए तो जो आरबीआई का जो प्रोग्नोसिस था, आरबीआई का जो एक एंटिसिपेशन था जिसके तहत उसने क्लियर क्या किया था, एक अपना अभिव्यक्ति दी थी, अपना एक क्लियर एक्सप्रेशन दिया था जिसके तहत उसने बोला था क्या, जीडीपी के अंदर 2022-23 के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जीडीपी के अंदर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा मार्केटली रिपोर्टेडली मुख्य तौर पर लोअर 7.8 व्हेन द कंपेयर्ड विद दी 8.5 प्रोजेक्शन मेड इन दी इकोनॉमी सर्वे। और इकोनॉमी सर्वे की अगर बात की जाए तो ये जो इकोनॉमी सर्वे ने तो दिखाया था, क्या दिखाया था, इकोनॉमी सर्वे ने जीडीपी एक्सपेंशन दिखाया था 8% से लेके 8.5% तक प्रोजेक्शन दिखाया था, डिस्प्ले किया था कि इतने हद तक हमारे जीडीपी क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन दिखाएगा। लेकिन बाद में हमें देखने को मिला कि उसके अंदर 7.8% ही, मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एक एक तरीके से एक्सपेंशन देखने को मिला, यानी जो प्रोजेक्शन किया गया था उसके उस प्रोजेक्शन से काफी कम रहा। विद दी कॉन्टेक्ट इंटेंसिव कॉम्पोनेंट्स, अब कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस कौन सी होती है, ये होती है होटल रेस्टोरेंट टूरिज्म से रिलेटेड जो भी सर्विस होती है। अगर उसकी बात की जाए तो कोविड की वजह से ये पर्टिकुलर सेक्टर्स भी बुरी तरीके से अफेक्ट हुए हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो बी काउंट का मतलब एक तरीके से स्टिल मोशनलेस। और फिलहाल अगर देखा जाए तो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव जो सेक्टर है वो भी बुरी तरीके से कोविड की वजह से इंपैक्ट हुआ है। एट द सेम टाइम जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी, जो लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगा रहे थे, कोविड के सिचुएशन को देखते हुए ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी काफी धक्का लगा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रुक गई है। एट द सेम टाइम कॉन्टेक्ट इंटेंसिव जो सर्विस सेक्टर था वो ऑलमोस्ट 2 ईयर से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी हमें काफी हद तक घाटा देखने को मिला है। द सेंट्रल बैंक इनफैक्ट, और जहां तक रिजर्व बैंक की अगर बात की जाए, इनफैक्ट एक्सपेक्ट वो इस चीज को उम्मीद करता है ग्रोथ इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, कि आगे आने वाला जो फिस्कल ईयर है उसके अंदर इस बात की उम्मीद करता है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, टू शार्पली टेल ऑफ। टेल ऑफ का मतलब हो गया एक तरीके से लेसन करना, कम करना ओवर द कोर्स ऑफ ईयर। कहीं ना कहीं मतलब ग्रोथ तो देखने को मिलता है, मतलब इस जो फिस्कल ईयर की बात की जाए तो वहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम टू शार्पली टेल ऑफ, टेल ऑफ का मतलब रिड्यूस हो जाना द कोर्स ऑफ ईयर। लेकिन जैसे जैसे ईयर बढ़ेगा तो वो जो है जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्लोइंग फ्रॉम 17.2 एक्सपेंशन इन क्वार्टर वन, 4.4 इन क्वार्टर फोर, यानी कि क्वार्टर वन के अंदर अगर हमारा जो एक्सपेंशन है 17% 2 होगा तो क्वार्टर फोर तक पहुंचते पहुंचते वो 4.5% तक आ जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, लेकिन बढ़ोतरी के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो कमी भी हमें देखने को मिलेगी क्वार्टर फोर आते आते। नॉर इज एनी एनी रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब आराम होता है, राहत होता है ऑन द प्राइस स्टेबिलिटी फ्रंट। और जहां तक प्राइस स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कोई अभी फिलहाल नो देयर इज एनी रेस्पाइट ऑन द प्राइस स्टेबिलिटी, और प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर भी अभी कोई राहत अभी नहीं दिखाई पड़ी है। द आरबीआई ब्रेव अटेम्प्ट, और आरबीआई ने क्या किया, एक बहुत ही एक बहादुरी वाला एक अटेम्प्ट किया है, एक प्रयास किया है एट डाउन प्लेइंग। डाउन प्लेइंग का मतलब हो गया एक तरीके से कंसिडर करना लीस्ट इंपॉर्टेंट, किसी चीज को कम अहमियत देना। द रिस्क नाउ नाउ विद स्टैंडिंग, नाउ विद स्टैंडिंग मतलब किसी भी चीज के साथ जो रिस्क एसोसिएट है उसको नाउ विद स्टैंडिंग बोल सकते हैं। नाउ विद स्टैंडिंग मतलब एग्जिस्टिंग समथिंग विद एनीथिंग। तो यानी जो अभी फिलहाल अगर देखा जाए आरबीआई का ये एक बहुत ही मतलब एक ब्रेव अटेम्प्ट है, जिसके अंदर उसने रिस्क को क्या किया, कम करने के लिए, मतलब ऑब्वियसली बात है रिस्क तो बना हुआ है। एंड उसने क्या किया है, आरबीआई ने फिलहाल देखा जाए तो अपने मैंडेट को क्या किया, उसने फोरसी किया, मैंडेट को त्याग दिया जिसके तहत उसको अपना प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आना था। लेकिन फिलहाल उसने अपने मैंडेट को त्याग दिया जिसके तहत वो प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर रहा था, और उसने क्या किया है, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए फिलहाल उस पॉलिसी को कुछ टाइम के लिए त्याग दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आरबीआई का एक ब्रेव स्टेप है, जिसके अंदर मतलब रिस्क तो है, क्योंकि उसने रिस्क को क्या किया, डाउन प्ले किया है। डाउन प्ले का मतलब एक तरीके से रिस्क को एक तरीके से कंसिडर ही नहीं किया, लीस्ट इंपॉर्टेंट माना है, लेकिन रिस्क तो है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन इज सीन, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये एक क्या होता है, ये जनरली एक डिस्प्ले होता है जो इन्फ्लेशन को बताता है। इन्फ्लेशन का मतलब यहां पर हो गया महंगाई इज सीन। और जहां तक
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर भी महंगाई को देखा गया है। पीकिंग का मतलब ऊपर की ओर बढ़ना इन करंट, और करंट के अंदर जो महंगाई है, वर्तमान के अंदर जो महंगाई है वो भी देखने को मिली है फोर्थ फिस्कल क्वार्टर। और जहां तक चौथा जो क्वार्टर होगा, वित्तीय जो क्वार्टर होगा, एवरेज रिंग 5.7 आफ्टर मूविंग क्लोज टू द अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड 6 इन दी जनवरी। और जनवरी के महीने के अंदर हमें ये कहां पर देखने को मिला था, 6% थ्रेशोल्ड का होता था दहलीज। और अगर बात की जाए, ये जो फिलहाल अगर देखा जाए इन्फ्लेशन का रेट था 6% था, और फोर्थ तक यानी फोर्थ फिस्कल ईयर तक ये कितना देखने को मिलेगा, 5.7 तक देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं महंगाई के अंदर भी कोई ज्यादा हमें एक राहत देखने को नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, जो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने कहा है क्या, एंड डिसकंटेंटली का मतलब हो गया सैडली, दुखी तौर से, निराश होते हुए, इवन मिस्टर दास अक्नॉलेज, और उन्होंने मतलब जो गवर्नर है उन्होंने भी इस बात को अक्नॉलेज किया है, इस बात को एक्सेप्ट किया है दैट द हार्डनिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल प्राइसेस, यानी कि जो कच्चे तेल है उसके जो प्राइसेस है उसके वो प्राइसेस भी काफी हद तक बढ़ चुके हैं। पॉजिस का मतलब होता है टू कीप फोर्थ विद, यानी किसी चीज को सामने रखना, किसी चीज को आगे रखना, अ मेजर अपसाइड का तो उल्टा हो गया, रिस्क टू द आउटलुक, फ्यूचर के लिए आउटलुक हो गया यहाँ पर, फॉर द प्राइस गेन्स। फिलहाल मतलब ये जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ चुके हैं, जो कि फ्यूचर के अंदर क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर भी प्राइस गेन्स की संभावना है, क्योंकि क्रूड ऑयल के अगर दाम बढ़ जाएंगे तो हमारे यहाँ पर भी उसके बढ़ने के चांसेस हैं, उसको मना नहीं किया जा सकता है। मॉनेटरी अथॉरिटीज, जो वित्तीय अथॉरिटीज है, जो पॉलिसी मेकर्स है, अपियर दिखाई पड़ते हैं टू हैव प्लम्प्ड का मतलब होता है सेट डाउन फॉर द बैकिंग द ओवर ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी अजम्पशंस का मतलब उन्होंने जो अभी एक तरीके से अपनी एंटिसिपेशन किया है, अंदाजा लगाया है, तो शायद ये जो पूरा का पूरा एंटिसिपेशन अंदाजा है, शायद ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये हैव प्लम्ब फो का मतलब हो गया, देखो प्लम्ब का मतलब सेट डाउन, ये जो पूरा का पूरा जो अजम्पशन उन्होंने रखा है शायद अपनी उस ऑप्टिमिज्म को देने के लिए, अपने उस एंटिसिपेशन को सही बताने के लिए पूरा ये किया है। इट मींस कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने फ्यूचर अनसर्टेन बना हुआ है अभी भी कि हमारा जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उस बात को देखते हुए ही जो फिलहाल अगर देखा जाए पॉलिसी मेकर्स ने ये अभी फिलहाल ये स्टांस लिया है, जिसके तहत अगर देखा जाए तो प्राइस स्टेबिलिटी की जो बात कही जा रही थी उसको अभी कुछ टाइम के लिए त्याग दिया गया है। एट द सेम टाइम वो सारे के सारे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे कि इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके, और आने वाले टाइम के अंदर भी हम इस बात को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि हमारे जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक स्टेबल हो पाएगा, बढ़ पाएगा। तो फिलहाल भी देखा जाए तो अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, मैनिफेस्टेशन आपका नाउन हो गया, तो टेलिंग यहाँ पर V1 प्लस ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और मोस्ट यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द ले लेता है। यहाँ पर टू टेल ऑफ का मतलब रिड्यूस करना होता है, किसी चीज को कम करना होता है। शार्पली यहाँ पे एडवर्ब हो गया आपका, टू टेल ऑफ यहाँ पर इन्फिनिटिव केस हो गया, एट आपका प्रेपोशन हो गया, उसके बाद आपने डाउन प्लेइंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड है। वैसे डाउन प्लेइंग का मतलब होता है किसी चीज को अंडर एस्टिमेट करना या कंसिडर लीस्ट इंपॉर्टेंट। अक्नॉलेज यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, जो अक्नॉलेजेस का मीनिंग होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। टू हैव प्लम्ड, देखो टू हैव प्लम्ड आपका ये इन्फिनिटिव परफेक्ट हो गया, इन्फिनिटिव परफेक्ट हो गया ये आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड स्लाइड, द लास्ट वन, एंड एक्सपेक्टेड सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग का मतलब नरम पड़ना, एक्सपेक्टेड का मतलब अंदाजा लगाया गया था क्या, इन वेजिटेबल के केस में मतलब ये बात का अंदाजा पहले लगा लिया गया था, प्राइसेस ऑन अकाउंट ऑफ मतलब ड्यू टू, ओइंग टू की वजह से, और विंटर अराइवल कि सर्दियों के अंदर, ऐसा पहले ही अंदाजा लगा लिया गया था कि जो वेजिटेबल्स है उनके जो दाम है वो काफी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड द इम्प्रूविंग प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया पॉसिबिलिटीज फॉर द फूड ग्रेन्स, और जहां तक खाद्य जो पदार्थ है उनकी जो पॉसिबिलिटीज है काफी हद तक बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन हैव प्रॉम्प्टेड, और कहीं ना कहीं जो
खाद्य जो पदार्थ है उनकी जो पॉसिबिलिटीज है फूड ग्रेन की अगर बात की जाए तो उनके प्रोडक्शन को वो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा प्रॉम्प्टेड, और प्रॉम्प्टेड का मतलब उकसाना। देन टू पोजिट, पोजिट का मतलब होता है टू पुट फॉरवर्ड, यानी किसी चीज को आगे रखना या किसी चीज को कहना। दैट द इंप्रूविंग इन्फ्लेशन आउटलुक, जो फिलहाल अगर देखा जाए ये बढ़ता हुआ जो महंगाई है उसका आउटलुक दृष्टिकोण जो है गिव्स देम कंफर्ट टू कंटिन्यू की पॉलिसी ग्रोथ सपोर्टिंग। और फिलहाल मतलब ये जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन को देखते हुए मतलब जो हमारी ग्रोथ है जो हमारा ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने वाले सारे के सारे मेजर्स को लेना चाहिए या फिर उस पॉलिसी को क्या करना चाहिए, उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए जो क्या कर सके हमारा जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट कर सके, वो सारे के सारे मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सके। विद द एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फोरकास्ट, और जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो फोरकास्ट है जो अंदाजा है फॉर इन्फ्लेशन महंगाई को लेकर टू एवरेज 4.5% ओवर 2022-23, मतलब उसका जो अंदाजा है कि 2022-23 के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा 4.5 के पास एवरेज रहेगा। प्रिडिक्टिव का अंदाजा लगाना ऑन अनदर सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, लेकिन ये फिलहाल अगर उन्होंने बोला है कि 4.5% औसतन ऐसा महंगाई रहने वाली रेट रहने वाली है, अभी इसके ऊपर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है क्या बिल्कुल ऐसा ही रहेगा कि कुछ सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो हो सकता है ये इन्फ्लेशन बढ़ सकता है आगे भी जाकर। नॉर्मल मॉनसून, अभी फिलहाल नॉर्मल मॉनसून का अगर बात की जाए द आरबीआई रेट सेटिंग पैनल, और आरबीआई के अंदर जो प्राइस का जो एक पैनल है जो कि प्राइस को सेट करती है उस पैनल की अगर बात की जाए हैज रिस्क, तो उस पैनल ने फिलहाल रिस्क लिया है फोरसेकिंग, क्या फोरसेकिंग का मतलब त्याग देना इट्स प्राइमरी मैंडेट, उसका जो जनादेश था जिसके तहत उसको अपना क्या करना था प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आना था, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो आरबीआई ने मतलब क्या किया उस प्राइस स्टेबिलिटी का जो एक मैंडेट था उसको त्यागा है। एट द ऑल्टर, ऑल्टर मतलब होता है वेदी, भगवान का जो भगवान के सामने एक छोटा सा एक कुछ भी तखत टाइप का या कुछ एक टेबल रखा होता है जहां पर कुछ चीजों को चढ़ाया जाता है उसको बोला जाता है वेदी, उसको वेदी बोला जाता है। तो स्टेबिलिटी एट द ऑल्टर ऑफ इम्पार्टिंग अ मॉनेटरी इम्पेटस टू इकोनॉमी, यानी कहीं ना कहीं मॉनेटरी इम्पेटस का मतलब हो गया फाइनेंशियल मोटिवेशन टू इकोनॉमी, कि हमारी अर्थव्यवस्था को मोटिवेट करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए फिलहाल आरबीआई ने क्या किया है अपना जो उसका प्राइमरी मैंडेट था जिसके तहत उसको अपनी प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी थी उसको क्या कर दिया वेदी पर चढ़ा दिया है। किसके वेदी पर चढ़ा दिया है कि हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले हैं, रिस्क तो है टाइम विल टेल कि देखा जाएगा टाइम बताएगा क्या होगा आगे। एट अ टाइम, वो भी ऐसे समय पर व्हेन इन्फ्लेशन जो महंगाई है इज एट मल्टी डिकेडल का मतलब दशकों से हाई इन द नंबर ऑफ कंट्रीज, और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर महंगाई वो लगातार बढ़ रही है, इंडिया ही नहीं है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर महंगाई जो है वो फिलहाल बढ़ रही है। एंड प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट का मतलब उकसाना, सेवरल मेजर सेंट्रल बैंक्स, और बहुत सारे जो इंडियन बैंक से नहीं और दूसरे भी ऐसे बैंक है दूसरे देशों के भी कुछ ऐसे बैंक हैं, फेडरल रिजर्व इन यूएस और यूएस के अंदर यूएस का जो मुख्य जो बैंक है फेडरल बैंक जो है टू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग पॉलिसी, तो उसने भी अपनी पॉलिसी को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। देर इज अ रियल डेंजर ऑफ आरबीआई फॉलिंग बिहाइंड द कर्व, देखो बिहाइंड द कर्व का जो मीनिंग होता है लैग बिहाइंड करंट थिंकिंग और ट्रेंड्स, मतलब अगर जो फिलहाल का जो ट्रेंड बना हुआ है उसे पीछे रह जाना फिलहाल आरबीआई के लिए भी क्या है एक डेंजर बना हुआ है जो खतरा बना हुआ है कि फिलहाल आरबीआई ने जो अपना प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर जो मैंडेट था उसको पोस्टपोन कर दिया उसको छोड़ दिया है एट द सेम टाइम, और उसको इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो मेजर्स की बात की गई है वो मेजर्स लेने चाहिए, और फ्यूचर अभी अनसर्टेन बना हुआ है, हो सकता है कि आने फ्यूचर में कोविड का फिर इम्पैक्ट हो जाए या प्राइस स्टेबिलिटी ना हो पाए या फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि अभी अनसर्टेन बने हुए हैं। तो आरबीआई के लिए अभी भी खतरा बना हुआ है कि आरबीआई का जो फिलहाल का जो एंटिसिपेशन है क्या वो आगे सही बैठने वाला है या नहीं बैठने वाला है, तो फिलहाल अनसर्टेनिटी बनी हुई है आरबीआई के लिए, और उस अनसर्टेनिटी की वजह से आरबीआई के सामने अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है, एक डेंजर बना हुआ है, एक खतरा बना हुआ है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा, ये फाइनेंशियल आर्टिकल था आज का।
सॉफ्टनिंग आपका नाउन हो गया, तो यहां पर देखो एक्सपेक्टेड आपका वी थ्री जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल हो गया, एन आपने यूज कर लिया क्योंकि ये आपका हो गया वोवल साउंड हो गया। टू पोजिट आपका टू प्लस वी वन आपने इन्फिनेटिव केस यूज कर लिया, हैज रिस्क आपका हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब बिहाइंड द कर्व का मतलब होता है जो ट्रेंड आप एक्सपेक्ट करते हो उस ट्रेंड से बिल्कुल पीछे रह जाना, तो उसको बोलते हैं बिहाइंड द कर्व, जो कि एक idiom हो गया आपका, राइट। सो नाउ माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद अनदर आर्टिकल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।